समर्थ शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं स्कूल के बस्तों के बोझ को कम करने को लेकर स्कूली शिक्षकों को निष्ठा के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मांगलीवास ब्लॉक में आयोजित निष्ठा प्रशिक्षण शिविर का आज अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता व शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निष्ठा प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को खेल ही खेल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ऐसा दिया जा रहा है ताकि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों को भी खेल खेल के माध्यम से सिखाएं एवं बस्ते के बोझ को कम करें। ब्लॉक से अजय गुप्ता और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अजय गुप्ता जी ने अलग अलग ब्लॉक्स में जिले के प्रशिक्षण देखते हुए आ रहे हैं और सभी जगह फीडबैक ये मिल रहा है कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत स्पष्ट जो प्रशिक्षण दिए गए हैं वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण है और उसका कारण आपके जो केआरटीज हैं उनका सिलेक्शन किया गया है और जो विलिंग लोग थे वही केआरटीज हैं। पूरे एक दिन संभाग स्तर पर उन्हें इनका टफ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम भी दिया, इंटरव्यूज भी दिया और पेडागोजी पर इनकी टीचिंग टेक्निक्स भी देखी थी। उसके बाद ही आपके बीच में तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत के साथ इस बार प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसी अपेक्षा के साथ पढ़ रहा है वो की वही चीज उसके दो घंटे में उसके दिमाग में उतारनी है तो इसके लिए नॉर्मल टेक्निक्स काम नहीं आएंगी, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। आपको सबको मालूम है सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, जो पुनर्घट कैसे होते हैं सब जानते हो आप, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको उस बच्चे के दिमाग में कैसे उतारे तुरंत पक्की पकड़ वो सीखना है। ट्रेनिंग्स का पर्पज वो है, ट्रेनिंग का पर्पज ये थोड़ी हम आपको ज्ञान बांटते थोड़ी आए, जो आप के आर पी है जो आपके वो भी आपके बराबर नॉलेज होंगे, वो भी एम ए आप ही एम ए हो, जिस परीक्षा को पास करके आप आए उसी परीक्षा को पास करके वो भी आए। तो नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है मेथोडोलॉजी तरीके हैं तौर तरीके पढ़ाने के, वो इतने सरल ग्राह्य हो कि वो बच्चे के दिमाग में बैठ सके, तो वही प्रयास करना है और कुछ नहीं करना। और बच्चा ही आपका भगवान है, बनिया तराजू को हमने खाए झूम के वो तो उसका आपने जो बताया है वो सूत्र के रूप में आपने बताया धारा के प्रवाह में जो बाधा किसी भी तार में या विलयन में उसके आयनों द्वारा या उसके घटकों द्वारा या उसकी इसी संरचना उसके द्वारा अपेक्षित होता है नहीं, हर वस्तु तांबे में भी प्रतिरोध है लेकिन वो बहुत कम है इसलिए वो सूचा लगे, एल्यूमिनियम में उससे थोड़ा सा अधिक है, अन्य वस्तुओं में थोड़ा सा और अधिक है तो उनको प्रतिरोध। देखेंगे कि हमारे विद्यालय में कई अनुपयोगी सामान है, कौन अनुपयोगी सामान का हमारे घर में भी रहते हैं, विद्यालय में भी है, आस पड़ोस में भी है, उन वस्तुओं को जिनको हम फेंक देते हैं। अभी हम आपको इसी कला के माध्यम से कि कई वास्तव में जो हमारे पास अनुपयोगी सामान उस प्रकार किस प्रकार निर्माण कर सकते हैं और ये बच्चों में एक स्किल डेवलप करने का है, क्योंकि आपका सर्जन करता है बच्चा अनुकरण करता है, हम काम करेंगे तो बच्चा उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आपको पता है लड़कियां घर
मैडम निष्ठा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है जी जी। आप कब से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है? जी 19 से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई जो 23 तक है और प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक्टिविटी के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करवा के काफ़ी मनोरंजक भी बना रहे हैं ट्रेनिंग को और काफ़ी हमें यूजफुल चीज़ें भी सिखा रहे हैं। आपका ट्रेनिंग कब से हुई और आज कितने दिन हो गए? 19 तारीख से शुरू हुई थी, आज तीसरा दिन है और 23 तारीख को मेरी ट्रेनिंग का समापन है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। आपका नाम बताएं? सरोज पाराशर। मैडम निष्ठा प्रशिक्षण शिविर में आप लोग शिरकत कर रहे हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए और आपको कैसा लग रहा है? सर आज तीसरा दिन है हमारा और बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है और हम यहाँ आने के बाद ऐसे फील हो रहा है कि जैसे बच्चे भी जो हम लोग सोचते हैं वैसे ही बच्चे सोच रहे होंगे और यहाँ हम बच्चे की तरह ही सब कुछ एक्टिविटी वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। पहले जो शिविर होता था वो आवासीय शिविर होता था, अब आवासीय शिविर नहीं है। उसके अलावा पहले क्या है, पेन पेंसिल वगैरह इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा था, पेपरलेस ट्रेनिंग दी जा रही है। किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है खेल खेल में ये बताएं आप, आज आपने क्या खेल खेला ये भी बताएं। सर आज तो वो लड्डू वाला खेल खेला और ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है, मेरी इससे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं हुई इसलिए आवासीय का तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये हमें अच्छा लगा। जैसे सुनते थे पहले कि आवासीय में ऐसे होता था सबको बोरिंग सा लास्ट तक फील होने लग जाता था, चलो ठीक है घर चले जाते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो पूरा स्कूल से थोड़ा अलग माहौल मिला है, कुछ अच्छा बच्चों को देने के लिए भी बहुत कुछ सीखा है। 3 दिन हो गए, 2 दिन बचे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छा ही मिला। आपका नाम बताएं? मनीषा। मैडम निष्ठा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार से आयोजन आना है इसके बारे में बताएं। ई मांगलियावास में समग्र शिक्षा अभियान के तहत निष्ठा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 2 बैचों का प्रशिक्षण हो चुका है, अभी वर्तमान में 3रा बैच चल रहा है जिसे जो 19 तारीख से चालू हुआ है, आज उसका 3रा दिन है। यहाँ 133 संभागी हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों के बस्ते का बोझ को कम किया जाए और खेल खेल में शिक्षण किया जाए। इस तरह का शिक्षण की गतिविधियाँ कुछ इस तरह से कराई जा रही हैं कि शिक्षक भी हैं उसका आनंद ले रहे हैं और कोशिश ये है कि वह उसका पूरा उपयोग करें और बच्चों को उनका पूरा लाभ मिले। आज कौन सा बैच है मैम? आज 3रा बैच है। अच्छा जी, आज कौन से कितने दिन हो गए, कब से शुरू हुआ था ये? ये 5 तारीख से प्रशिक्षण चालू हुए थे और अब ये 3रा बैच है। ठीक है, आपका नाम बताएं मैम? मेरा नाम रजनी वाला।